Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from Shimaru Kids. Shimaru Kids. Gobi, ball fekho na. Wow, badhiya shot tha. Main bahut thak gaya hoon. Hi dosto, kya kar rahe ho tum log? Hi Molly, hum cricket khel rahe hain. Main bhi cricket khelna chahti hoon. Ha ha, tum nahi khel sakti Molly. Main kyon nahi khel sakti Sandy? Ha, kyunki tum bahut kamzor ho. तुम बहुत जल्दी थक जाओगी। नहीं, मैं नहीं थकने वाली। मैं भी खेलना चाहती हूँ। अच्छा, ठीक है। तुम अभी फील्डिंग करो, मॉली। हाँ, मैं तैयार हूँ। यहाँ, यहाँ। रुको, रुको, रुको। मैं बॉल लाता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब तुम इसे फेंको। भागो, मॉली। बॉल लेकर आओ ना। अरे नहीं, बॉल तो उस गड्ढे के अंदर चली गई। मुझे निकालना होगा, वरना सैंडी मुझे खेलने नहीं देगा। लेकिन मैं इसे कैसे बाहर निकालूं? मुझे अब नीचे जाना होगा। आ, 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 ओ ये, हाँ मिल गई। अरे नहीं, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? मॉली को इतनी देर क्यों हो रही है? कहा था कि वो नहीं खेल पाएगी। मैंने शॉट भी जोर से नहीं मारा था। वो कहाँ गई? चलो उसे ढूंढते हैं। वो कहाँ गई? कोई बचाओ मुझे, प्लीज प्लीज। ये तो मॉली है, रो रही है। लेकिन वो है कहाँ? यहाँ, ये रही वो। मॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैंडी, मैं यहाँ बॉल निकालने आई थी, अब निकल नहीं पा रही हूँ। रोना बंद करो मॉली, हम आ गए हैं, हम मदद करेंगे। लेकिन हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मैं नहीं जानता, पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। कोई नीचे जाकर उसकी मदद करे तो वो बाहर आ जाएगी। नहीं, मुझे तरीका ठीक नहीं लग रहा। जो मॉली की मदद करने जाएगा, उसकी मदद कौन करेगा? हाँ, ये बात तो है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? काश वायु और माया यहाँ होते। हाँ, वायु और माया, चलो उन्हें बुलाते हैं। ओ वायु, यहाँ आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ओ माया, आओ ना, हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी छोटी सी प्यारी दोस्त, अच्छा हुआ कि तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। बात क्या है? ओ, तुम्हारी तो वही हालत है जो उस बकरी की थी। बकरी की? हाँ, वही बकरी जो लोमड़ी की बात सुनकर कुएं में कूद गई थी। लोमड़ी की? ओ वायु, हमें वो कहानी सुनाओ ना, प्लीज, हम सब सुनना चाहते हैं। हाँ वायु, हम सब तुम्हारी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ हाँ, प्लीज। अच्छा, सुनाता हूँ मैं। एक दिन एक लोमड़ी शिकार करने निकला तो एक कुएं में गिर गया। उसने हर तरह से कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बावजूद वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाया। बाबा रे, मुझे अब किसी के आने तक का इंतजार करना होगा। पता नहीं कोई यहाँ कब आएगा मदद करने। ओ
जरा सुनो, तुम सुन रहे हो क्या? नहीं, शायद ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाँ हेलो, सुन लिया? मैं सुन रहा हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये कुआं दिखाई दिया, मुझे प्यास लगी है। तुम बता सकते हो कि इस कुएं का पानी कैसा है? क्या ये अच्छा है? कैसा? ये तुम क्या पूछ रही हो? इसका पानी पूछने लायक नहीं है, इसका पानी तो बड़ा ही मीठा है। मैं तो इस कुएं का पानी तब से पी रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था। माँ मुझे यहाँ लाती थी, मेरी माँ को उनकी माँ यहाँ लेकर आती थी, वो भी बचपन से इसी का पानी पी रही थी। इसलिए इस पानी के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। ओह, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये कुआं मिल गया और तुम भी मिल गए। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। तो इंतजार क्यों कर रही हो? आओ ना, पानी यहाँ पर है, यहाँ आओ और अपनी प्यास बुझा लो। ओ हाँ हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। पानी तो सच में बड़ा मीठा है। ये पानी बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक्स किस बात का? लेकिन मैं एक बात तो बताना भूल ही गया। वैसे तो ये बात इतनी जरूरी है नहीं, लेकिन बताना तो। क्या बात है? नहीं समझी, कुएं से बाहर जाना एक मुसीबत है। क्या कह रहे हो? अब हम कुएं से बाहर कैसे निकल पाएंगे? वैसे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। ओह, तुम तो बहुत अच्छे हो। ये बताओ, तुम ऐसा कैसे करोगे? सुनो, तुम अपने अगले पैरों को कुएं की दीवार पर टिका लो और अपना सिर झुका लो। मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर बाहर निकल जाऊंगा, फिर मैं बाहर तुम्हें पकड़कर खींच लूंगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ, आखिर मैं बचपन से इस कुएं का पानी जो पी रहा हूँ। सही कहा तुमने, चलो ठीक है। शाबाश, अब तुम तब तक पानी पीती रहो जब तक तुम्हें कोई बाहर नहीं निकालता। बाय बाय। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने वादा किया था, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते हो। मैं बाहर कैसे आऊंगी? तुम सच में बड़ी बेवकूफ हो। है ये बात तो तुम्हें कुएं में कूदने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब तुम जो करना है करो, मैं तो चला, फिर नहीं मिलूंगा। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है? तो समझ गए, कुछ भी करने से पहले सोच लो। हाँ, मैं भी समझ गई। मैं सिर्फ बॉल निकालने के लिए गड्ढे में कूद गई और ये भी नहीं सोचा कि मैं गड्ढे से बाहर कैसे निकल पाऊंगी। समझे दोस्तों, कुछ भी करने से पहले ये जरूर ध्यान से सोचना चाहिए कि उस काम का अंजाम क्या होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा तुम मुसीबत में फंसोगे। हाँ, जैसे मैं फंस गई थी। मेरी ड्रेस की हालत देखो। दोस्तों के बीच थैंक्स कैसा? अब मैं जा रहा हूँ, जल्दी हम फिर मिलेंगे। बाय बाय मेरी प्यारी सहेली। बाय 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 दोस्तों। गॉबी, तुम क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। क्या कहा? लेकिन किसके साथ? कोयल के साथ। वो अभी यहाँ कर पेड़ पर बैठ जाएगी। हाँ, रोज आती है वो।
कोयल, तुम्हारा मतलब वो गाने वाली चिड़िया? वो गाती है? मैं नहीं जानता, आज तक तो मैंने नहीं सुना है। मैंने तो उसे चने दिए और उसने खा लिया, अब वो रोज आती है, चने खाकर उड़ जाती है, देखो वो आ रही है। हे गोभी, उसे कह रहे हो? हाँ तो? वो तो मुझे कौवा लग रहा है। नहीं, वही तो है वो कोयल, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम कैसे जानते हो? मैंने किताब में उसकी फोटो देखी थी, वो कोयल ही है। तो फिर वो गा क्यों नहीं रही? मैं नहीं जानता, कभी नहीं गाती है। फिर तो वो कोयल नहीं होगी। हेलो सैंडी, हेलो गोभी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो खेले। हम लोग यहाँ कोयल को देख रहे हैं। कोयल? हाँ देखो, वो वहाँ पेड़ पर बैठी है ना। नहीं, वो तो कौवा है। नहीं, वो कौवा नहीं, कोयल है। मैंने किताब में उसकी फोटो देखी थी। हाँ जरूर देखी होगी, लेकिन कोयल और कौवा दोनों काले रंग के ही होते हैं। शर्त लगा लो, ये तो कौवा ही है। तुम क्या जानो कि ये क्या है? मैं तो इस कोयल को रोज रोज खिलाता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये कोयल है। वो देखो, एक और कोयल आ गई है यहाँ। अरे, अरे वो भी कौवा है गोभी। चुप रहो, अगर तुम मेरी कोयल के साथ नहीं खेलना चाहते हो तो जाओ। काश वायु यहाँ होता तो वो हमें सच्चाई बता देता। ओ वाकई ये तो कौवे हैं। तुमने सही कहा था बॉबी और सैंडी। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है तुम सबके? वायु, वायु। एक बात जानते हो वायु, आज तो कमाल हो गया। अच्छा, ये बात तो शेर की खाल में छिपे गधे वाले की हो गई। गधे वाली बात? किस गधे की वायु? वही गंगू धोबी के गधे वाली। ओ सच में? लेकिन उसने शेर की खाल की पहन ली थी। ओ वायु, प्लीज हमें पूरी कहानी सुनाओ ना। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक दिन एक शिकारी ने शेर की एक खाल खेत में सूखने के लिए रख दी। गंगू का गधा उसी खेत में रोज चरने आता था। और उस दिन भी वो खेत में चरने में मस्त था, तभी उसकी नजर शेर की खाल पर पड़ी। रोज वही होता है, रोज मेरा मालिक मुझे मारता है। मैं तो रोज रोज की पिटाई से तंग आ गया हूं। काश मैं गधे की जगह कुछ और बन जाता। ये तो बस ये तो खाल है। इसे और करीब जाकर देखता हूं मैं। अरे हेलो, वो भाग क्यों रहा है? बहुत प्यास लगी है, पहले तालाब पर जाकर मैं पेट भर पानी पी लेता हूँ। Huh?
मैं तो शेर जैसा दिख रहा हूँ। अच्छा तो वो खरगोश मुझे शेर समझकर भागा था। बहुत खूब, मैं अब गांव जाऊंगा और देखता हूँ कि गंगू मुझे देखकर क्या करता है। भागो 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 भागो, बचाओ बचाओ, शेर शेर, भागो भागो, बचाओ बचाओ, भागो शेर शेर शेर, पीछे शेर, गांव में शेर, भागो 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 भागो, भागो गांव वालों बचाओ, शेर शेर शेर, भागो भागो, अरे भागो शेर, भागो शेर शेर, भागो भागो वालों, भागो शेर, भागो भागो शेर भागो, भागो, मुझे देखकर तो सब डर गए। गंगू की हालत तो देखो, या, या, या। वाह, मैं तो सच में राजा बन गया। मैं तो यहाँ का राजा हूँ। भागो भागो शेर, भागो भागो शेर, ये क्या, या, 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 हाँ? ओ, मेरा क्या था? ठहर जा, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। गधे को इतनी अकल आ गई और सारे गांव वालों को डरा दिया और यहाँ हंगामा मचा दिया। लेकिन ये तुम क्यों भूल गए कि रूप भले ही बदल लो पर आवाज निकली तो सारा भेद खुल जाएगा। है ना, इसी तरह कौवा भले ही कोयल के जैसा दिखता हो पर जैसे ही वो काव काव करता है उसका भेद खुल जाता है। इस कहानी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी के रूप से कुछ नहीं होता। कभी कभी वो भले ही सच्चाई छिपा दे लेकिन सच तो ये है कि हमें किसी के सिर्फ रूप की नकल नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी खूबियों को भी अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। चलो, तुम्हें कहानी पसंद तो आई, अब जाने का वक्त हो गया है। Hi kids, hope you liked the video. Subscribe for more fun videos.